नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं के बीच वितरित किए जाने के लिए ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप को एसपी नवनीत भसीन की सूचना पर लौर थाना प्रभारी के पी त्रिपाठी ने स्टाफ के साथ रघुनाथगंज ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर पकड़ा है। 26 पेटी शराब सहित एक बुलेरो वाहन जब्त किया गया है, जबकि 4 तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो शराब की यह खेप मनगवा शराब दुकान से लौटकर देव तालाब की ओर ले जाई जा रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना के बाद बीती देर रात यह कार्रवाई की गई है। पकड़े गए शराब तस्करों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर लौर थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि बुलेरो में शराब की खेप मनगवा से लौट कर देव तालाब की ओर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर शराब की यह खेप पकड़ने के लिए हाईवे पर घेराबंदी की गई, लेकिन पुलिस की घेराबंदी देखकर शराब तस्कर वाहन सहित शराब लेकर ओवरब्रिज के नीचे से भागने लगे, जहां रघुनाथगंज ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर शराब सहित तस्करों को पकड़ लिया गया है। पुलिस द्वारा ली गई वाहन की तलाशी के दौरान बुलेरो क्रमांक MP19CA4010 से 13 पेटी देशी मदिरा, सफेद प्लेन एवं 13 पेटी मसाला शराब के साथ 4 आरोपी राजेश पांडे, मनीष कुमार तिवारी, वीरेंद्र कुमार सोनकर और नामबर यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।